मोटर है, दोनों सेम ही लग रहा है, बट ये कंपनी का कोई। और मैं इसको निकालूंगा, इसके अंदर का तेल सारा मैं डाल देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज टाटा पंच के बारे में बात करूँगा। फ्रेंड्स, इसमें एक्चुअली क्या हुआ मैं आपके सामने शेयर करूँगा। जैसे कि मेरे पास ये फ्लूटर मोटर है और मैं इसमें अपडेट करने वाला हूँ, और इसमें मैं दिखाऊंगा कि क्या ये फ्लूटर मोटर है असेंबली, ठीक है। तो मैं इसको आज चेंज करने वाला हूँ। ये जो है ना कंपनी जो ना इसका अपडेट दिया हुआ है, अपडेशन में इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम रहेगा वो आपके सामने मैं शेयर करूँगा, सारा डिटेल्स मैं बताऊँगा। तो मेरा शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये माइलेज से भी जुड़ा हुआ है, और आपका गाड़ी में अगर फ्लूटर का प्रॉब्लम हो रहा तो एक्चुअली वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा, आपके पास भी अगर टाटा का पंच गाड़ी है तो ये काम ज़रूर करवा ले, और डीलरशिप में जाके ज़रूर आप वहाँ पे जाके अपना कंप्लेंट दे और करवा लो। आपके गाड़ी में अगर हो चुका है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो आप करवा ले, ठीक है। तो मैं इसका डिटेल्स में बताऊँगा। जैसे कि ये फ्लूटर मोटर न्यू फ्लूटर मोटर है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्या क्या खोलूँगा और क्या इसमें डालूँगा वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा, ठीक है। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये माइलेज से भी जुड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं इसको लगा के माइलेज भी इसका चेक करूँगा। जैसे कि मैं इसका खोल लिया हूँ गेट, और मैं इसका सीट पूरा निकालूंगा, पीछे का सीट जो होता है ना वो मैं ये पूरा सीट निकाल दूंगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं ये बेल्ट वगैरह सारा मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं सीट निकालूंगा। तो एक्चुअली होता क्या प्रॉब्लम कि फ्लूटर मोटर में कभी ख़राब हो जाता है, या फिर आपका माइलेज से शिकायत कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो ये कंपनी इसका जो ना अपडेट दिया हुआ, ठीक है। तो मैं इसका खोलता हूँ, उसके सामने आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चेंज करना रहता है। जैसे कि मैं इसका सीट खोल लिया हूँ और मैं इसको साइड कर देता हूँ, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देख सकते होंगे यहाँ पे फ्लूटर का टैंकी रहता है। ये जैसे है ना, ये आपका स्क्रू ड्राइवर से, इसको तीन स्क्रू ड्राइवर से मैं खोल लूँगा, ठीक है। तीन स्क्रू रहता, ठीक है, उसको मैं खोल लूँगा, ठीक। जैसे कि मैं खोलिया, ये फ्लूटर मोटर ये पाइप है, ठीक है। इसको मैं पाइप को खोलूँगा, और फ्लूटर मोटर ये जो आप देख रहे हैं 10 नंबर बोल्ट है, ये सारा 10 नंबर बोल्ट खोल के मैं हटा दूंगा, और ये मैं कैप खोल के हटा दूंगा, ये पाइप वगैरह सारा खोल के हटा दूंगा, ये वायरिंग है उसका, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ और मैं दिखाता हूँ इसके सामने कैसा फ्लूटर मोटर होता है, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, जैसे कि मैं खोल लिया हूँ फ्रेंड्स, मैं खोल लिया हूँ, और मैं इसको निकालूंगा बाहर, और मैं इसके अंदर नया वाला डालूंगा, ठीक है। ये भी बट नए हैं, मगर ये जो ना कंपनी की तरफ से अपडेट आया हुआ है, इसको चेंज करना रहता है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक। तो मेरे वीडियो में लगे रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ऐसे ही वीडियो अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल पर जाए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। न्यू टाटा, अगर आपके पास टाटा का गाड़ी है तो अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो मेरा चैनल को फट से जाके आप सब्सक्राइब कर लें, और मैं इसको निकालूंगा, इसके अंदर का तेल सारा मैं डाल देता हूँ टंकी में। और जैसे कि मेरा बहुत सारा इसमें रहता है तेल, कम से कम 1 लीटर इसमें आ जाता है, ठीक, 1 से 1.5 लीटर इसमें आ जाता है। तो मैं इसको हटा दूंगा, ये वाला हटा के मैं ये वाला देख सकते होंगे, दोनों फ्लूटर मोटर है, दोनों सेम ही लग रहा है, बट ये कंपनी का कोई कंप्लेंट में आया तो इसके कारण से मैं इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको अंदर डाल लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इसको अंदर डाल लेता हूँ, और ऐसे मैं लगा दूँगा टाइट से, इसको दाबना रहता है, ठीक है। ये उसका टाइट करने वाला ये है, इसको मैं लगा देता हूँ, और मैं इसको जो है ना 10 नंबर से इसको सारा टाइट मार लूँगा। जैसे कि ये मेरा बैठ गया लगता है, हाँ बैठ गया अब, और 10 नंबर से मैं इसको टाइट मार देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं इसको टाइट मार लिया हूँ, और लगा दिया हूँ, मैं टाइट करना बाकी है, पैप वगैरह लगा रहा हूँ, और मैं इसको टाइट करके मैं दिखाता हूँ, गाड़ी चला के भी दिखाऊँगा। तो मैं इसको जैसे कि लगा दिया हूँ और मैं टाइट कर लूँगा, उसके बाद मैं गाड़ी चला के दिखाऊँगा, ठीक है, आपको एवरेज में क्या फ़र्क पड़ता है, और गाड़ी में आपका किस कंडीशन पहले था, अभी क्या प्रॉब्लम होने वाला है या नहीं होने वाला, वो मैं आपके सामने अगले मतलब आगे मैं बता रहा हूँ। इसका मैं सारा कुछ लगा देता हूँ। और फ्रेंड्स, आपकी गाड़ी में भी ऐसा प्रॉब्लम होता हो तो डीलरशिप तक ज़रूर जाए, वहाँ पर जाके अपना कंप्लेंट दर्ज करें, वहाँ पर जाके आपको फ्लूटर मीटर मिल जाएगा, मोटर मिल जाएगा।
तो मैं इसको लगा लेता हूँ, टाइट हो गया मेरा, और मैं इसको स्क्रू लगा लेता हूँ और इसको मैं टाइट करके सीट लगा लूँगा, उसके बाद मैं चलाऊँगा गाड़ी, ठीक है। और आपके सामने मैं लाइव चलाऊँगा गाड़ी और मैं एवरेज दिखाऊँगा। बहुत सारा कस्टमर आता ना कंप्लेन लेके, मेरा एवरेज बहुत कम है, टाटा वाले जो ना बहुत एवरेज कम देता है गाड़ी में, तो मैं उसके सामने लाइव में दिखाऊँगा, कहीं पे भी वीडियो कट नहीं होगा, मैं जो ना लाइव दिखाऊँगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो क्या उसमें कैसा देता, जैसे कि मेरा लग गया वो कितना एवरेज देता है वो मैं आपके सामने दिखाऊँगा। और मैं इसका काम कर दिया हूँ, इसको मैं टेस्ट ड्राइव में जा रहा हूँ, ठीक है, और आपको मैं दिखाऊँगा कि अभी कितना इसका एवरेज है और मैं चलाऊँगा तो कितना एवरेज दे सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको चाबी को ऑन किया, ये देख सकते होंगे आपका जो ना 14.4 का है, ठीक है, 14.4 का है, और सेकंड इसका वो मैं सेकंड में भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये जैसे कि 14.4 है और इसको मैं मूड का बटन को पुश करूंगा, जैसे कि देखते हैं 15.5 है, तो मैं इसको रीसेट करना रहता है, ये जो ना दो बटन दिख रहे होंगे सेट और मूड, दोनों को एक साथ पुश करके रखना होगा कुछ सेकंड तक, तो अपने जो ना ये 0-0 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ए बी दोनों रहता है, दोनों को 0 कर लेना रहेगा, ठीक है, तो मैं दोनों को 0 कर लूँगा, जैसे कि मेरा ये दोनों 0 हो गया, ठीक, और उसके बाद मैं चलाऊँगा गाड़ी, और मैं गाड़ी को करता हूँ बैक और मैं लेके चलता हूँ इसको हाईवे पे। तो आप लोग को भी अगर माइलेज नापना हो तो हाईवे पे जाके ज़रूर नापें, और गाँव वाला देहात वाला रोड में ख़राब रोड में आपको एवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ ब्रेक क्लच करना पड़ता है, इसके कारण से एवरेज डाउन हो जाता है। और मैं चलाऊंगा, किस तरह मैं चलाऊंगा वो जो आपके सामने देखना है, और एवरेज किस तरह देता है वो आपको मैं दिखाऊंगा। और 2000 आरपीएम और 80 तक स्पीड रहेगा, तो ये एक्चुअल में आपका जो ना जो ओरिजिनल में इसका माइलेज है वो निकल पाएगा। जैसे कि मैं रोड पे आ गया हूँ और आपके सामने मैं दिखाऊँगा, मेरे वीडियो पर बने रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, न्यू अपडेट मैं टाटा की तरफ से देता रहूँगा। अगर आपके मन पे कोई कुछ चल रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाके आप डीएम भी कर सकते हो। दोस्तों मैं रोड पे आ गया हूँ, पूरा देख सकते होंगे, मैं आप गाड़ी को मैं भगाऊँगा, कम से कम मैं जो ना 5-6 किलोमीटर चलाऊंगा, ठीक है। मैं इसमें कितना एवरेज निकालता हूँ वो आपको देखना है। बहुत सारा कस्टमर बोलता है कि एवरेज भाई एवरेज मैं कितनों भी चला लेता हूँ, मैं इतना दिन का ड्राइवर हूँ, बहुत दिन से मैं गाड़ी चलाता हूँ, फिर भी मैं उनके लिए मैं कहूँगा कि मैं कैसे चलाता हूँ वो आपको देखना है, ठीक है। आप कैसे चलाते हो वो मैं नहीं देखता, मैं कैसे चलाता हूँ वो देखिए, आप उन पर फॉलो कीजिए, आपका 100% एवरेज जाएगा, ठीक है, एवरेज आपका गाड़ी अच्छा देगा। कोई एवरेज के बारे में कोई भी गाड़ी ख़राब नहीं होता, ठीक है, चलाना कैसे रहता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसका जो ना क्लच जो ना जैसे गियर लगाने के बाद क्लच में से पैर में हटा देता हूँ, और आरपीएम मैं उतना ही रखता हूँ जितना मेरे को ज़रूरत रहता, ठीक है। तो मैं स्पीड जो ना इसका 80 तक मैं लॉक करके रखूँगा, उससे ज़्यादा मैं भरूँगा नहीं, 80 तक मेरा स्पीड रहेगा। तो आपको अगर एवरेज चाहिए तो 80 तक स्पीड रहेगा, और जो ना 80 से आप प्लस गए जैसे कि 90 गए, 110, 120 गए तो एवरेज डाउन होगा, ठीक है, उतना देगा ही नहीं। तो एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि एवरेज जो ना आपका 80 तक ही अच्छा रहता है, उसके बाद आपका नहीं रहता। देख सकते हो मेरा मतलब 13.3 का एवरेज निकल चुका है अभी तक, 13.3 का, तो मैं और भी मैं बढ़ाऊँगा इसमें। जैसे कि मैं कम से कम बोला था मैं 6 किलोमीटर चलाऊँगा, मैं 6 किलोमीटर में कितना एवरेज निकालता हूँ वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। मेरा 16.4 का एवरेज निकल चुका है, और मेरा ये 17.2 का मतलब 17.2 का, मैं अभी 2 किलोमीटर आ चुका हूँ, 3 किलोमीटर में आ चुका हूँ।
देख सकते हो फ्रेंड्स, देख सकते होंगे यह मेरा जो है ताज का मोटा मोटी एवरेज आ चुका है और मैं अपने डीलरशिप के अंदर आ चुका हूं। और देख सकते होंगे लाइव में आपके सामने दिखाया हूं कि एवरेज एक्चुअल में देता कितना है। तो टाटा पंच एवरेज के मामले में ख़राब नहीं है और मैं जब इसका फिल्टर जब चेंज किया तो और भी इसका बेहतरीन से इसका एवरेज निकाल चुका हूँ मैं, देख सकते होंगे। अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा प्रॉब्लम है दोस्तों तो जो ना आप डीलरशिप लेके आए, मैं यहाँ पे आपका चेक कर लूँगा। और कहीं पे भी डीलरशिप मेरे पास आने का ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी डीलरशिप हो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ का मैकेनिक से आप दिखा के आपका एवरेज नाप सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो यहीं तक था और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाना वो आप कॉमेंट बॉक्स में